माफ कर दूंगा, लेकिन जो मेरे बंधु के साथ दुश्मनी करेगा उसको माफ नहीं करूंगा। जो ऐसे काम करते वो तो इंसानियत के दुश्मन है। इसलिए जो बंदा वही खुदा के करीब होता है जो इंसानों से प्यार करता है। मैं तो रब की मखलूक से प्यार करता हूँ और ताजदारे मदीना से प्यार करता हूँ। आपको कैसा लगा कि आपका जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप देखिए ना, मिसाल के तौर पर मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि दो चीजें जरूरी है। इतवार से आगे जो पीर होता है ना, मंगल से पीछे जो पीर होता है वो पीर असली होता है। बाकी मंगल बुध वाले पीर चले गए, लेकिन आज पीर उस पीर आए जो पीर था। हम आपको इस चीज पे अप्रिशिएट भी करते हैं, अगर आप वहाँ पे तहमल मजाजी से समझदारी से काम ना लेते तो यहाँ पर आप नहीं समझते कि आज एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाना था। देखिए बात यह है कि हमारी तो ये रवीत है, ये हमारी बात है कि हमारे आस्थाने पे अगर कोई दुश्मन भी आ जाए हम उसे सीने से लगा लेते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए ये पैगाम कोई नहीं है, बड़ा पैगाम कोई नहीं है कि आप देखें बाहर कैसी उन्होंने जबान बोली, लेकिन मेरे पास आए तो मैंने मोहब्बतें दी। अल्लाह वाले मोहब्बतें देते हैं, वो नफरतें नहीं पैदा करते, मोहब्बतें देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सूफी अज़म तसव्वुफ जिसी चीज का नाम है मोहब्बत का नाम है। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी खतीब साहब की कि जिस तरह हमने भी देखा, आप सब ने भी देखा कि जो लोग इंसिडेंट बनाने आए थे, इशू क्रिएट करने आए थे, हाँ खतीब साहब ने उनको सीने से भी लगाया, उनका माथा भी चूमा और जाते हुए बिल्कुल गलत रॉन्ग होते हुए भी उसको माफ भी किया और उन्हें कहा कि हम मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम इंतशार पैदा करने वाले नहीं। अच्छा आप ये बताइएगा कि जब हम इधर आए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम, सफाई के इंतजाम इतने जबरदस्त है, फंडिंग होती है या लोग अपनी मदद आपके तहत ही करी जा रहे हैं? देखिए बात यह है ना, मेरे आप में आप बात वो फिर आपको बात कर, वो कहते हैं ना कान देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला सच्चा।